हे गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल कॉमराज। माय नेम इज राज। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप में विड्रॉल कैसे करते हैं। विड्रॉल से लेकर बहुत समस्या आ रही है और विड्रॉल चलिए आपको लाइव करके दिखाएंगे और अपनी आईडी पे। तो अपना जो भी ऐप है आपका ब्लू चिप का या ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए, अपना लॉग इन कर लीजिए और जो आपका अमाउंट है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपका बोनस भी दिखाई देगा और मेन अकाउंट जो है ऐसा सामने दिखाई देगा। तो अभी हम लोग 3000 जो है विड्रॉल करेंगे, तो विड्रॉल पे हम लोग क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और साइड में आपका बोनस भी दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा बोनस नहीं है तो विड्रॉल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आँख मून कर आपको IMPS करना है जिससे विड्रॉल में कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि ज़्यादा करिएगा तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो यहाँ पर IMPS सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर मैंने 3000 ये यहाँ पर डन कर दिया है और उसके बाद कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो IMPS का मेथड यही होता है, 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ है IFSC कोड और अकाउंट नंबर और अकाउंट का जो होल्डर है या अकाउंट जिसके नाम पे है उनका नाम डालना है। ठीक है, कान खोल कर सुन लीजिए, यदि रॉन्ग डालिएगा तो 1 रुपया आने वाला आपके पास नहीं है। ठीक है, तो जो भी डालिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ IFSC कोड में जो भी आपका पासबुक में IFSC कोड होगा वही डालिएगा। अकाउंट नंबर जो भी है देख कर डालिएगा और अकाउंट किसके नाम पे है, आपके नाम पे यदि बैंक अकाउंट है तो आपका नाम ही चलेगा। ठीक है, तो IFSC कोड मैंने डाल दिया है और अकाउंट नंबर डालूँगा और अकाउंट होल्डर नेम। तो अकाउंट मेरे नाम पर है, मैं डालूँगा अकाउंट नंबर जो है, अकाउंट नंबर डालूँगा, IFSC कोड। चलिए मैं जल्द से इसे डाल लेता हूँ और इसे भूल कोई भी ना करे। यदि गलती एक भी हो जाएगा ना तो आपका पैसा है नहीं आएगा, फिर आप रोते रह जाइएगा, कोई देने वाला यहाँ पर नहीं है, मैं भी नहीं करवा सकता। ठीक है, बहुत कोई लोग ऐसे बोलते हैं। चलिए हम लोग दोनों यहाँ पर डाल दिए हैं अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आया हुआ, योर विड्रॉल इन प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है और 3000 जो है 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये कंपलसरी है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है और जैसे मैंने बताया IMPS का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 3000, 8000 जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट से पैसा जो है कट आउट हो चुका है। तो इसका हम लोग ट्रांजेक्शन अभी देखने वाले हैं, अभी मेरे अकाउंट में आया नहीं है। तो ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्या हिस्ट्री दिखा रहा है, तो यह अपडेट हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 3000 जो है मेरा पेंडिंग में है अभी। ठीक है, पेंडिंग होने के बाद यह अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो करीबन मैंने 8 AM मॉर्निंग में लगाया है, आज के डेट में जिस डेट पर आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज ही के डेट में मॉर्निंग में मैंने 8 AM मॉर्निंग में लगाया था और अप्रूवल कब तक होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, हम अभी पेंडिंग में हैं, अभी तक अप्रूवल इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो करीबन 8 AM जब कंप्लीट हो गया था मेरा, ठीक है, तो ये 11:30 का है, 11:30 तक ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया है। अप्रूव्ड होने के बाद ये कंप्लीट होगा तब आपके अकाउंट में पैसा जाता है। अप्रूव्ड जब भी हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अप्रूव अभी भी दिखा रहा है मगर मेरा अमाउंट जो है मेरा बैंक अकाउंट में नहीं आया है, अप्रूव ही दिखा रहा है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसे एक बार रिफ्रेश करके, यहाँ पर भी अप्रूव अभी भी दिखा रहा है। तो एक बार हम लोग अपना बैंक अकाउंट जो है उसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर संग संग अभी मैसेज आया हुआ है, ठीक है, कि 3000 आपका IMPS से क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, आज का डेट भी है इसमें मेंशन, यहाँ पर देख सकते हैं 3000 जो है आ चुका है। ठीक है, 1:07 PM मतलब मॉर्निंग 8 AM में मैंने लगाया था और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक आया है मेरे को। ठीक है, तो समझ सकते हैं 2-4-5 घंटा लगता है आपका, मॉर्निंग 8 AM में मैंने लगाया था और 1 PM में मुझे मिल गया है 3000। ठीक है, तो ये विड्रॉल पूरा प्रोसेस था, पूरा समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा। ठीक है,
पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट का भी मैसेज आ चुका है ऊपर में। ठीक है, आप लोग बोलते हो विड्रॉल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रेडिट और डिपॉजिट का भी मैं दिखा रहा हूँ, डिपॉजिट मैंने कितना किया था इसमें देख लीजिए, इससे आपको नॉलेज जो है बढ़ जाएगा, धोखा से बचिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 9 को डिपॉजिट किया था, कितना अमाउंट 3074 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया था। ठीक है, और विड्रॉल भी आज 3000 मैंने कर लिया। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना 3000 के लगभग, 4000 के लगभग मैंने समझ लीजिए इसमें डिपॉजिट किया, 3074 रुपीज़, और क्रेडिट भी कर लिया। डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉल भी होता है, उससे कोई मेथड नहीं है। ठीक है, गेम प्ले करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टा है, टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर अभी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऐप जो है जेन्युइन है, इसे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसे ही आप गेम प्ले करिए और अच्छे से दिमाग से खेलिए जैसे मैंने बताया है। ठीक है, एविटर गेम एक बेस्ट है, धीरे धीरे खेलिएगा, डेली का 2000, 3000, 5000 अर्निंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हों, कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाइए, जिससे हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। और मेरे इस प्रोमो कोड को यदि आप यूज करते हो PKOM67 तो आपको 3000 का बोनस मिलेगा आपके डिपॉजिट के लगभग। तो 500, 1000 या 2000 जितने भी डिपॉजिट करिएगा उसका डबल आपको बोनस मिलता है, और उस बोनस को आप लोग अपने मेन अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां से गेम प्ले कर सकते हैं। और उसे कैसे खेला जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, थोड़ी सी भी यदि प्रॉब्लम हो, सॉल्व करना हो, मेरा यदि प्रोमो कोड यूज करते हैं या लिंक यूज करते हैं या गेम प्ले करते हैं, तो मेरा इंस्टा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप एनी टाइम आपके लिए खुला हुआ है। और आइए और यहाँ पर आकर अपना लाइफ चेंज करिए और गेम प्ले बेस्ट करिए, और ध्यान से खेलिएगा और अर्निंग करिएगा, और अपना रिक्स खुद को लीजिएगा, और पैसा जो है उसे बहुत अच्छे तरह से इन्वेस्ट में करिएगा एक बिजनेस के जैसा, और ये एक जुआ नहीं है और एक स्कैम नहीं है। तो बेहतर इसमें गेम प्ले करिएगा, जिससे आपको मोटिवेट भी मिले और जिस प्रकार आप गेम प्ले जीत जाओ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाइए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.